गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? ओके, हमने देखा कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चंस, जो मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व किए, वो प्रैक्टिस किए, वाच किए अच्छे तरीके से, और काफी अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया कि सर बहुत अच्छा कि आपने हमें एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए। ठीक है, तो मैं ठीक उसी के सीरीज में मैं आपको नेक्स्ट मिसलेनियस कराने जा रहा हूँ यहाँ पे, और आपको मैं अच्छी अच्छी क्वेश्चन दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपको फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है आगे जाकर के कोई ऐसा एग्जाम नहीं कॉम्पिटेटिव जहां पे नहीं आ सकते, कहीं भी आ सकते आपसे। ठीक है, और आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो तो और आपको दिखने में लगे यार क्या अच्छा, वाकई में क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो और एक चीज, दूसरी चीज मैं आप लोगों से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं क्षमा चाहता हूं कि जो मैं मिसलेनियस का अभी लास्ट लेक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसमें मैं थोड़ा सा गलती कर लिया और उधर से कमेंट आया। ठीक है, तो उसमें क्या था कि लास्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा गलती कर बैठा हूं कि 3/2 मुझे करना था और मैं 3/2 ना करके x^3 कर लिया, मतलब लास्ट स्टेज में आंसर के, फिर भी आंसर तो गलत ही माना जाएगा, तो आप लोग वहां पे 3/2 कर लेंगे। मींस क्वेश्चन ऐसे था, देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कैलकुलेट करते गए हम, लास्ट में ये स्टेप था, अब मुझे क्या करना था, वाई को नीचे ट्रांसपोज करना था, इनवर्स करना था इसका, तो आंसर 3/2 / y आएगा ना। ठीक है, बस ये छूट गया था थोड़ा सा 2। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ओके, तो अब हम लोग आज के जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उस क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चंस रहेगा, आपको क्वेश्चन दिखने में ही थोड़ा डर लगेगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिसलेनियस, ये मैं मिसलेनियस करा रहा हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज करके है ये, इसका मैं थंबनेल जो लगाया हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज करके ही है, इसको आप सेकंड मान लेंगे, मिसलेनियस सेकंड। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं आप लोग को। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से। ठीक है, डरिएगा नहीं आप लोग, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डराने वाला होगा बट जो रूल होगा वो मेरा वही पुराना वाला रूल होगा। अब कहेंगे सर ये सब क्या हो रहा है, ठीक है तो यही सब तो कहानी है, यही सब क्वेश्चंस के क्या है, मजेदार क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर, इतना तो हम नहीं किए थे सर। अरे सर करने लगेंगे, बस आप जुड़े रहिए, आप लास्ट तक क्या करिए, ठीक है बने रहिए, आपको सब आ जाएगा। ओके, अगेन इसके बाद क्या रहेगा, रूट एक्स, ये देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ तगड़ा ऐसा, पहला क्वेश्चन जिंदगी में पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो टेक्निक होता है, नंबर पहला टेक्निक, टेक्निक नंबर फर्स्ट, हम लोग रूट को हटाएंगे और रूट को हटाएंगे, हमें मालूम है जब रूट को हटाएंगे तो वो जिस चीज का साइन है, मतलब जिस चीज से रिलेटेड रूट है, क्यूब रूट है तो 1/ लास्ट में उसको हटाएंगे तो 1/3 पावर 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो 1/2 पावर, मतलब रूट 4 रहेगा तो उसपे हम लोग क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। बट सवाल है किधर से हटाए, इधर से हटाए कि इधर से स्टार्ट करें, बिल्कुल सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हम लोग इनर पार्ट, सबसे जो ज्यादा है ना, सब जो इनर में होता है सबसे अंदर होता हुआ उसी को हटाते हैं। ठीक है, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये सबसे बाहर है, बट स्टार्टिंग हम लोग यहां से करेंगे और यहां से स्टार्ट करते 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 हम लोग ये वाला सबसे सबसे लास्ट में सबसे बाहर वाले को हटाएंगे। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले का, सबसे अंदर वाले को हटाएंगे तो और पहचान लीजिए कि सबसे अंदर वाला किस टाइप का रूट है। जी बिल्कुल, क्योंकि रूट अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा वरना आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये 4, ये पावर 4 है और ये रूट 4 है ऐसा। ठीक है, और ये एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, ये रूट क्यूब जो है ये भी ऐसे अपने ही प्लेस पर रहेगा, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको हटाना, इसको अंदर वाले स्क्वायर रूट को, देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल है, जब ये हटेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मींस इसके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, राइट समझ में आ रही बात,
मल्टीप्लाई कर दिया और ये रूट हटेगा तो एक्स पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, बताया था मैंने। ओके अब क्या करेंगे, जैसे होता ना बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते हैं तो ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको कर देते हैं। तो यहां पे देखिए ऑपरेशन हमें क्या करना, मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम होगा तो अगली स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। रूल है ना, बेस जब इक्वल होता है तो पावर को पावर से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। बिल्कुल सही। चलिए मैं इस स्टेप को थोड़ा बड़ा बड़ा करूंगा और ऊपर से जरूरत पड़ेगी तो मैं बेस भी करूंगा, समझिएगा आप लोग। ओके तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम लोग राइट करते हैं। ये रूट फोर यहां पर रहेगा, एक्स क्यूब हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, पावर पावर ऐड हो जाएगा, मींस अलग से कर लीजिए, बहुत ज्यादा लाइन भी स्टेप भी बढ़ाना नहीं, आप अलग से कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहां पे कर लीजिए, वरना फिर यहां पे कैलकुलेट करेंगे फिर एक लाइन और, तो अब तो आ गया होगा लगा आप लोगों को चीजें कैसे कैलकुलेट करते। देखिए ये पावर 1/2 और ये पावर एक्स स्क्वायर दोनों एड हो जाएंगे और एक्स पावर 2 × 4 = 5 हो गया डियर स्टूडेंट्स, 5/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 मिलेगा ना, मीन्स ओके। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं राइट, एक्स टू दी पावर 5/2, समझ में आ गया बात। तो आप लोग जो इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेट करना हो एडिशनल कैलकुलेट उसको बगल मेरा फोर पे करिए, ठीक है जी। बिल्कुल अब हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं ऊपर चलते हैं, मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, डरना नहीं है, डर के भागेंगे तो फिर रोने लगेंगे, ठीक है। डर के आगे क्या है, आंसर है, जीत नहीं है आंसर है। ओके चलिए तो ये क्या होगा 5, ठीक है, एक्स पावर 4, ये अभी इसका नंबर नहीं आया है तो जिसका नंबर नहीं है, देखिए चाक भी साथ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, मुसीबत में सब लोग साथ छोड़ के भागते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अपने भरोसे रहो, ठीक है, भागने दो कितना भागेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब है, ओके अब की बार ये रूट हटाएंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर फिर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/3, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स पावर 5/2 पहले से है और जब उसको हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, समझ में आ रही बात। बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक दिया, बेसिक नॉलेज इसीलिए मैंने आपको दिया, फॉर्मूला बताया उसके बाद, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराया उसके बाद, लास्ट डे में आपको लास्ट लेक्चर में मैं आपको मिसलेनियस फर्स्ट कराया जिसमें थोड़ा सा हाँ हम लोग को क्या मिला, संघर्ष करने को मिला और काफी हम लोग क्या हो गए, मेच्योर हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बिल्कुल अब लोग हम लोग क्या करते थे डिस्टेंस, अब यहाँ पे एक स्टेप आ जाएगा इतने दूर में, तो फिर से वही काम, जो जहां उसको वहां करो, जो जहां है उसका प्लेस वहां पे निर्धारित कर दीजिए जल्दी से फटाक से। तो ये 4 देखिए अंदर चला गया, एक्स क्यूब देखो अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा काम जल्दी करेंगे, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, मींस एक्स के पावर क्या भाई 5/2 और 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस आ जाएगा एक्स पावर 5/6 होगा जी। बिल्कुल हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, इतना स्टेप हटा देंगे तो मामला फेल हो जाएगा, एक्स पावर 5/6 बहुत ज्यादा नहीं हटाएंगे, स्टेप इतना बंक अगर मार देंगे तो फिर तुम लोग उड़ जाओगे। ओके हो सकता आप लोग कर ले, हम ही नहीं कर पाए, इसलिए सबका भला हो, ठीक है, तमाम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 4, ये देखिए क्या हो गया सेम है ना। अब देखिए यहां पे चीज हम इसको नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस रूट को हटाने वाले हैं, इस रूट को कहां रहा ये यहां रहा, ठीक है। और इसका सिंबल कितना है, 4 है, मीन्स जब ये हटेगा तो इसका पावर 1/4 होगा, बट उससे पहले आप ये लोग कैलकुलेट कर लो क्योंकि आपको स्टेप घटाना है, बहुत ज्यादा स्टेप बढ़ाना नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्या होगा, बेस सेम है, पावर से पावर जुड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, भूल मत जाइएगा, ऐड हो जाएगा 5/6। ओके 5/6 हो गया, 6 × 3 = 18 मीन्स एक्स टू दी पावर 18 हो जाएगा 23/6। ओके मीन्स इतने को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ये चीज, और फिर इस रूट को हटाना है, साथ में हम रूट को भी हटा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट पावर 1/4, तो मैं इतना लिख सकता हूं डायरेक्ट,
जी बिल्कुल, मैं इतना लिख सकता हूं, इस रूट को भी मैं हटा दिया, इस रूट को मैं हटा दिया हूं, ठीक है। इस रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स टू दी पावर 23 बाई 6 होल टू दी पावर 1/4, होल टू दी पावर 1/4, समझिए बात को, होल टू दी पावर 1/4, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, लेटर छोटा सा दिख रहा था इसलिए बड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ गया, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए क्या होने वाला है, जी बिल्कुल, आप अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको आने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स, देखिए पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम। देखिए बहुत ज्यादा नई टेक्निक हम लोग लगाना है यहाँ पे, अरे ये फॉर्मूला है ये तो पढ़े नहीं, जो पढ़ लिए आप लोग पहले दिन उतना ही काफी, उतने से काम चला लेना। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर देखिए दोनों को बेस थोड़ा सा बढ़ा दे रहते हैं आपकी बात, नहीं तो मामला फेल हो जाएगा आप लोगों का। एक्स टू दी पावर 23 का मल्टीप्लाई ऐसे समझिए, ऐसे एक एक चीज को 23 बाई 6 हो जाए 24 हो जाएगा, मीन्स 23 बाई 24 बिल्कुल। अब देखिए क्या हो गया, लास्ट स्टेप आपका आंसर आने वाला है, आंसर आपका लास्ट स्टेप आने वाला, कहां भाग रहे हो जी तुम, मरने वाले हो तुम भी जी। देखिए ये देखिए क्या हो गया, 5 हो गया अपने प्लेस पे, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। इतना गंदा बन रहा है, इतना गंदा तो कभी बना ही नहीं था, ठीक है ओके। चलो अब देखो क्या होगा, बेस सेम पावर से पावर ऐड हो जाएगा, मींस 4 में हम लोग 23/4 ऐड करने वाले हैं, ऐसे ऐसे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 24 आएगा, 96 प्लस 23 मींस ऐड कर लेंगे 119/24 आ गया, 119/24 हो गया। इट मींस ये पूरे का वैल्यू है, पूरे का वैल्यू मतलब एक्स के पावर, x टू दी पावर 119/24 ऐसे भी अपान लिखते हैं ओके। अब देखिए क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हम लोग पहुंच रहे हैं आंसर के पास, आंसर के पास लास्ट स्टेप पहुंच रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अब जब हम इस पार्ट को हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे तो हमें 1/5 मिलने वाला, 1/5 तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 119/24 जी बिल्कुल, 24 होल टू दी पावर 1/5 जी मिला क्या आपके पास, x टू दी पावर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पावर है पावर का मल्टीप्लाई पावर में होगा, 119 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, मीन्स 119/24 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 पांच का 20, 5 × 10 = 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये है आपका बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस रूट को हटाना था और बेसिक जो भी फंडामेंटल जो भी ड्यूटी आपकी है, ठीक है, फॉर्मूला उसको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना और आंसर को लाना, ध्यान देना है डिजिट को, ध्यान देना है बस बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मैं दो बार बोर्ड भरा हूं इसलिए आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स करिए और आंसर ले लीजिए, ठीक है। देखिए जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है ना तब तक चीजें आती नहीं, करिए ठीक है, ठान लीजिए करना है, कुछ करना है फिर कुछ बनना है, समथिंग है ना, आई कैन डू, हम कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं ओके। चलो तो हटाने वाले हम इसको हटाने वाले हैं, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने कराया ताकि एकदम बिल्कुल दृढ़ संकल्प और दृढ़ हो जाओ, दृढ़ मजबूती के साथ खड़े रहिए। अगला क्वेश्चन मैं फिर कराने वाला हूं आपको, ठीक है, और वो क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है। अभी हम इतना जल्दी इस टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है बिल्कुल। अगर आपके घर में सीनियर होंगे, आपके बड़े भाई कोई भी होगा घर में स्टडी करने वाला इस समय, ठीक है, या फिर कोई भी स्टडी क्रैक करके पढ़ाई क्रैक करके मतलब नौकरी पा गया होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह, पूछ लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है। आप हमारी बात सुनो, लेकिन आप ये भी देखो कि आपको चूरत तो नहीं दिया जा रहा है, झूठी का ये सब पढ़ाया जा रहा है, है ना, सिलेबस के बाहर ये सब क्यों पढ़ रहे हम लोग, नहीं बिल्कुल, ये मेरा काम है पढ़ाना, आपको पढ़ना है, ठीक है ओके जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन हो बुक सॉल्व करना, अपना आंसर लाना है, ठीक है बिल्कुल। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वही रूट हटाएंगे, और रूट हटाने के बाद जो बेसिक
रूल होंगे, उस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉलो करिए, ये ध्यान दीजिएगा, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई, ये दोनों इसके बीच में मल्टीप्लाई, दो टर्म है, यहाँ पे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई इन टू, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई इन टू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बात आई समझ में, चलिए डरिए मत इतना बड़ा देख के, रूट हटाइए, रूट रूट को हटाएंगे क्या मिलेगा, इस रूट को हटाएंगे तो एक चीज बहुत ध्यान समझिएगा, इस रूट को हटाएंगे तो यक्स का रूट रहेगा, यक्स का पावर रहेगा, न कि इसके ऊपर पावर, ये सबसे बाहर पावर है, देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका मेन पावर लगाएंगे, फिर ओवरऑल है ना पावर टू माइनस टू बाई थ्री करेंगे, राइट, समझ में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, मीन्स रूट इसके पास से हट रहा है एक्स के पास, तो एक्स का पावर, और ये पावर हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, मीन्स आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, हो सकता है रॉन्ग हो जाए, हाँ यहाँ पे आंसर तो सही है बट फ्यूचर में कभी भी रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो मेन चीज है उसे फॉलो करो, पैटर्न को फॉलो करो, सीरीज की सिक्वेंस को क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, आंसर तो आ सकता है उससे भी, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक रूल याद करो जो मेन रूल है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये वाई टू दी पावर फोर पहले से है, अब इसका पावर वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है सब, ये सब क्या है, स्क्वायर रूट है, सब स्क्वायर रूट देगा, डिवाइड इसका भी कर लीजिए, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए पावर ऐसे होगा, पावर ऐसे होगा, इसके पास इस समय राइट टाइम इतना है, बट ये जब जैसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इनटू बीच में है, इनटू लगा लिए, सेम सिमिलरली एक्स टू द पावर माइनस टू और वाई क्यू, और ये वन बाई टू हो गया, ऐसे करते हैं, ऐसे ये है तरीका, ठीक है, बातें समझ में, अगेन अब क्या करने वाले हम लोग, देखो अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे हम लोग, पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई बोले तो है देखो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री मिल जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस वन बाई थ्री क्या मिलेगा, माइनस वन बाई थ्री मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो गया और माइनस वन बाई थ्री मिला, कितना मिला, माइनस वन बाई थ्री, ओके ओके, यहाँ पे देख लीजिए ये सेम सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मीन्स फोर क्रॉस वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे टू मिलेगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा, वाई स्क्वायर, ओके 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 बॉस, चलिए बॉस इधर चलते हैं, एक्स पावर वन बाई टू हो जाएगा, ये पावर इसका भी है, तो पावर का मल्टीप्लाई, यहाँ पावर वन है, वन से मल्टीप्लाई करोगे वन बाई टू में, वन का मल्टीप्लाई वन बाई टू में करेंगे तो वन बाई टू ही मिलेगा, जी जी बिल्कुल, ओके अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई का पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू पहले से है, माइनस वन बाई टू और वन बाई टू फिर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर आने वाला है, आने वाला नहीं, आ गया वन बाई फोर आ गया स्टूडेंट्स, माइनस वन बाई फोर, ठीक है, माइनस वन बाई फोर आ गया, ओके ये देखिए इंटू यहाँ पे, इंटू यहाँ लगाइए, इंटू यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे लगाएंगे तो मीन्स आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स के पावर, देखिए माइनस टू पहले से है और मल्टीप्लाई वन बाई टू से करेंगे तो ये दोनों मर गए, बचा माइनस वन, मीन्स एक्स के पावर क्या बचा, एक्स इनवर्स इसको भी बोलते हैं, एक्स पावर माइनस वन को एक्स इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए आप एक्स इनवर्स बोलिए, जो स्पेसिफिक नेम हो स्पेसिफिक नेम ही बोला जाए, ओके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा थ्री बाई टू, क्या मिल जाएगा, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, ओके अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा ये डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, चाको सर ये मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बट साइन नहीं चेंज होगा, मल्टीप्लाई में करेंगे इसको तो साइन नहीं चेंज होगा, बस उल्टा होगा, उल्टा, ठीक है, ओके तो उससे पहले हम लोग कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हो रहा है तो इसको हटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, इतने में आंसर आ जाना चाहिए, बहुत लंबा नहीं करेंगे, देखिए अब देखिए ये चीज तो अकेला है, सिंपल है, सिंगल है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स के पावर माइनस वन बाई थ्री इंटू इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में कर दिया तो अब देखिए ये क्या होगा, अच्छा एक मिनट मल्टीप्लाई में मत करिए, थोड़ा सा एक स्टेप अब की बार मेरी बात सुन लो, अभी अभी आप स्टेप मत हटाइए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये एक्स को एक्स के साथ कंबाइन कर दो, एक्स को एक्स के साथ कंबाइन करेंगे, बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर से पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स वन बाई टू का ऐड करेंगे माइनस वन में ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस वन है संयोग से, क्या है माइनस वन है ना, देखिए यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे वन बाई टू, दोनों को ऐड करेंगे
बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का तो ऐड होगा ना, पावर से पावर ऐड होगा तो क्या होगा, मींस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, मींस बचेगा आपके पास माइनस 1/2। मींस आप यहां पे लिख सकते हैं एक्स के पावर, इन दोनों को मिला देंगे एक्स पावर माइनस 1/2, एक्स पावर माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात, अलग से कैलकुलेट कर लिया करो, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखिए -1/4 ये पावर का इस पावर में ऐड करेंगे, ठीक है, इतना आया एलसीएम 4 आया, -1 आया, +2 3 6 आया, मींस 5/4 आ गया, क्या गया 5/y^5/4 आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं अलग से कैलकुलेट करना भूलिए मत, अगर मैथ्स अच्छी सीखनी है तो अलग से कैलकुलेट करिए। ओके, अब देखिए ये चीज जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/3 y² मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बस साइन सेम रहेगा बस उल्टा हो जाएगा, और ये y^5/4 हो गया, साइन नहीं चेंज होने वाला है, साइन नहीं चेंज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, जो जिसका प्लेस वही रहे, प्लेस के साथ खिलवाड़ नहीं, प्लेस के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखिए क्या होने वाला है यहां पे कि इसको हम उठा के ऊपर ले चलेंगे, ठीक है, इनको उठा के ऊपर ले चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबको उठा के ऊपर ले जाइए तो हो गया 1/3 y² अब उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, चेंज ऐसे रिवर्स नहीं कर रहे, उठा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन ही चेंज हो जाएगा, 1/2 +1/2 -1/2 से +1/2 और y^-5/4। अब देखिए इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, ठीक है, तो कर देंगे तो क्या होगा, एक्स पावर देखिए -1/3 का 1/2 में ऐड हो जाएगा, -1/3 +1/2 एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, -2 + 3 = 1/6, क्या गया 1/6, क्या गया 1/6 आ गया, और y² का इसके साथ करेंगे y², ठीक है, y² को करेंगे किसके साथ, इसके साथ, मींस आ जाएगा आपका 2 में ऐड करेंगे कितना, -5/4 को ऐड करेंगे, मींस हो जाएगा 2 -5/4 होने वाला है, ठीक है, 4 2 8 में से 5 निकला 3/4 आ गया, क्या गया 3/4, मींस y^3 क्या हो गया 3/4 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3/4 हो गया, जी बिल्कुल ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही ये आंसर हो गया आपका, और देखिए दोनों आंसर्स आपके पास आ गए हैं बिल्कुल इस समय, बिल्कुल ये करेक्ट हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, दिख करके आपको डर लगेगा, दिख करके आपको ही डर लग जाएगा, मुझे छोड़ो आपको ही डर लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग भागेंगे तो और डरेंगे, भागना नहीं है, भागना नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, अब क्या करूं, ये तो अब की बार आ गया, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं जिंदगी में, यही सब लगे रहते हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, और तमाम मुसीबतें तमाम तरीके के आते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, क्या करने के लिए, प्रूफ, आप प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ करो कि इतने का जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 3/2 आना चाहिए आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करो और आंसर 3/2, अब की बार आपको आंसर शीट नहीं देखना है, आपके पास आंसर यहाँ पे दिया गया है, इनको सॉल्व करो और एक आंसर लाओ, ठीक है, अब इनको सॉल्व करके ये थोड़ी ला पाएंगे हम लोग, ठीक है, आसान थोड़ी ना लाना, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये आंसर लाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको 3/2 लाना है, क्या लाना है, 3/2 लाना है, आंसर बस दिमाग में अपने पास रखे रहिए, टू प्रूव, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा, x-1 है ये पावर ही, ये राइट साइड है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्वेश्चन में से, और ये 3/2 याद रखिए, 3/2 आपको लाना है, 3/2 वी हैव टू प्रूव दैट 3/2, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट इसको पहचानो, ये कब बना होगा, ऐसा कब बना होगा, पावर जो है ना, एक कंपोनेंट है उसका पावर ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है,
तो आप बताओ ये कैसा हुआ होगा, इसके पहले कुछ दूसरा रहा होगा इसलिए तो ऐसा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, ये बेस सेम रहा होगा तब जाकर के पावर पावर ऐड हुए होंगे, समझिए बात को, ऐसे ऐसे रहा होगा। देखिए ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर -1 लिख सकते हैं इस चीज को। इसको मैं इतना कर सकता हूं, इन इस पार्ट को हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात। बेस सेम है, पावर से पावर ऐड होगा, ऐड होने की वजह वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पे -1 है, राइट। सेम सिमिलरली यहां पे प्लस है और ये जैसे है एज इट इज सेम ऐसे राइट करते हैं, ओके। चलो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे आप इसको क्या किए एक्सपेंड किए, सेम इसी तरीके से इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए। तो x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 1 लगाओ या ना लगाओ आपका मन, आपकी खेती है ये जी, बिल्कुल। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग कि यहां पे दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, दो टर्म्स हो गए और यहां पे भी दो टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल ये पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है, 2 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2 इनवर्स बचेगा और प्लस यहां पे पूरा फिनिश हो जाएगा, बचेगा 1 कॉमन लेना, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाँ। और सेम यहां से भी वही कॉमन है, 2x कॉमन है, 2 टू द पावर x कॉमन है और बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास 2 बचेगा यहां से और यहां से क्या बचने वाला 1 -1, ठीक है। ये देखो दोनों मर गए, ये दोनों मर गए, ठीक है। बचा क्या आपके पास 2 इनवर्स मीन्स क्या हुआ 1/2 और +1 और ये नीचे अपान टोटल अपान 2 में से 1 निकालेंगे 1 बचेगा। कैलकुलेट कर रहे थे ऊपर वाले को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 2/2 और होल अपान 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और होल अपान 1 हो जाएगा, मींस आपका आंसर आ गया 3/2, बिल्कुल राइट हैंड साइड आपका ये आंसर आ गया 3/2, ठीक है। समझ गए आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, यहां पे कॉमन लिए हैं, ठीक है, यहां पे हमने कॉमन लिए हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और विजय हम लोगों को मिल गई है आज का, ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आप लोग फिर मुस्कुराते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लगेगा, ऐसे ही लगेगा आपको। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सॉल्व करो और देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और वो है देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, लगेंगे बहादुरी का काम करने और कह देंगे चलो भाई इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नो, वो हथियार अगर अपनाएंगे तो वो हथियार आपका क्या हो जाएगा, खाली चला जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, युद्ध में मारे जाएंगे। और इज इक्वल टू आपको लेना है 7/10, यहां पे इसको भी मैं प्रूफ करा रहा हूं, ठीक है। 7/10 लाना आपकी बार, क्या लाना है 7/10, तो 7/10 को ये बगल में लिखो और यहां पे कर दो लेफ्ट हैंड साइड। आप ऐसा मत करिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन राइट करके अलग से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो फिर क्या होने वाला आपकी बार, अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद वही पिछला काम जो पिछले क्वेश्चन में किए थे कॉमन करना, तो वहां पे तो हम लोग फैक्टर करके एक्सपेंड करके कॉमन किए थे, बट यहां पे एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए यहां से अब इसको अगर पूरा करने लगेंगे 2 का मल्टीप्लाई 30 टाइम तो कई साल लग जाएंगे, नहीं आंसर आ पाएगा, ठीक है। और कैलकुलेटर भी क्या बोलेगा, आउट ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल के बाहर है, ओके। तो यहां से आप क्या करते हैं, इसका पावर 20 28 है, इसका पावर 29 है और इसका पावर 30 है, राइट। सेम इसी तरीके से 29 है, 30 और 31 है, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो ऊपर का और नीचे का, ऊपर का काम अलग नीचे का काम अलग, डिनोमिनेटर का काम अलग न्यूमिनेटर का काम अलग, ऊपर से कुछ कॉमन ले लो नीचे से कुछ कॉमन ले लो जो सब में हो। तो हम देख रहे हैं 2 टू द पावर 28 इसके पास भी है, इसके पास भी मिल जाएगा, इसके पास भी मिल जाएगा, उधार मिल जाएगा। उसी तरीके से 29 समथिंग तो आपका मन है, तो आप 28, मैं तो इसमें 28 कॉमन लूंगा, बचेगा क्या यहां पे, जब आप 2 टू द पावर 30 में 2 टू द पावर 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 2 मिलेगा, 2 स्क्वायर मिलेगा। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि कॉमन मतलब होता है फिर उस चीज से डिवाइड करना, जहां जहां से आप कॉमन किए हैं उसमें डिवाइड करना। तो आपने ये कॉमन किया है तो जब इससे फिर इसमें डिवाइड करेंगे, कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना,
फिर जब इसको क्या करेंगे, इसमें ले जाकर इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या बचेगा आपके, कॉमन करना मतलब कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा कब, जब डिवाइड करोगे तभी ना, इसीलिए तो टू स्क्वायर बचा, यहां से टू बचा और प्लस वन बच जाएगा, 28 से 28 मर गया तो वो नहीं बचेगा ना। ओके, नीचे से आप क्या कॉमन करेंगे, मैं तो कॉमन 29 नहीं करने वाला, मैं वही कॉमन करूंगा जिससे मेरा काम बन जाए, ठीक है। आपका मन, आप 29 भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम 28 कॉमन इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। यहां से बचेगा 2q बचेगा प्लस 2 स्क्वायर बचेगा और माइनस 1 2 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, 1 2 बचेगा। अब देखिए मैं इसीलिए 28 कॉमन कर रहा हूं, जल्दी से मर जाएंगे। आप कर लेंगे 29 नीचे कॉमन तो कोई दिक्कत नहीं, तभी आंसर आएगा। बचा क्या ऊपर, 2 2 4 4 2 6 1 7 बचा, ऊपर बचा 7, अरे भाई 2 2 4 4 2 6 1 7 बचा, और नीचे बचा 2 2 4 2 8 बचेगा प्लस 2 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 मीन्स बच गया 7/10, मीन्स आपका आंसर आ गया। देखो 7 ऐसे नहीं लिख सकते, 7 ऐसे लिखते हैं, ये वाला 7 अच्छा नहीं लगता, ये 7 नहीं है, 7 ये जब भी देखेंगे 7 यही देखेंगे, इसलिए मैं लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर सुनहरा आंसर, एक अच्छा सा सुनहरा सा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आज के जो भी क्वेश्चंस थे, ये 4 क्वेश्चंस जो भी थे आपके लिए क्या है, एकदम बिल्कुल है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्रैक करते रहिए, अब आप अपने को काफी अच्छा फील कर रहे हैं। जो लोग भी ये तीनों लेक्चर देखे हैं, एनसीईआरटी का बेसिक, मिसलेनियस 1, मिसलेनियस 2, अब वो काफी मेच्योर हो गए होंगे, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, करते रहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देता रहूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड डे, हैव अ गुड डे। ओके।